हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिवानी। सो आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये क्या है, ये हेयर ऑयल जो मैंने प्रिपेयर किया है एलोवेरा से। और इसमें एक इंग्रेडिएंट्स और पड़ा है, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी हेयर के लिए। आपकी हेयर अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहा है तो वो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। ये आप इसके पास ज़रूर बना लेना है। घर पर ही अपना हेयर ऑयल बनाइए और लगाइए। आप बाहर वाला ना यूज़ करके आप घर पर ही बना सकते हो। एकदम सेफ़ है, प्योर है और नेचर मतलब नेचुरल है। इसमें कोई हार्म केमिकल नहीं हुई है, हार्म केमिकल नहीं है जो आपके बालों को हार्म करे, मतलब आपके बालों को नुकसान करे कोई भी। तो इसलिए आप इसको घर पर प्रिपेयर कर लीजिए और लगाइए। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसको बनाना कैसे है, लगाना कैसे है। और हमने इसको बनाया है एक वीडियो में अलग, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई थी। तो मैंने वीडियो के कर दिए हैं दो पार्ट में। हमें एक पार्ट में हमने बना दिया है ऑयल को, कि ऑयल को बनाना कैसे है और लगाना कैसे है। और सेकंड वीडियो में हमने अपना ऑयल लगा कर दिखाया है, साथ में बन बनाया है स्लिक टाइट बन विद ब्लेड, और एक ब्लेड भी बनाई है स्लिक टाइट जो आप देख सकते हो। ब्लेड मेरी फिलहाल बनी हुई भी हुई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आगे तो मैंने यहाँ पर लिया है अपना होममेड हेयर ऑयल जो मैंने एलोवेरा से बनाया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, इसको आपको बनाना कैसे है, और आप इसको इजीली घर पर बना लेना और आप इसको अप्लाई कर लेना। मैंने होममेड हेयर ऑयल को रात में ही एप्लीकेशन इसका अप्लाई कर लिया था अपने बालों में। आप देख सकते हो मेरे बालों में ऑयल लगा हुआ है जब मैंने इसको रात बनाया था। जब आप मेरी ऑयलिंग वाली वीडियो देखोगे तो आप उसमें नाइट की जो छोटी सी क्लिप है टू बी कंटिन्यू, वहाँ पर मैंने लगा लिया था ऑयल। मैं थोड़ा सा उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बाय मिस्टेक वो डिलीट हो गई थी, और इसलिए मैंने इसको दोबारा से किया है आपको दिखाने के लिए भी। और तो मैंने अब यहाँ पर कॉम नहीं किया था रात से, जब से मैंने ऑयल लगाया था अपने हेयर में। आपको भी क्या करना है, जब भी आप ऑयलिंग करो तो अपने बालों में ऑयलिंग के डायरेक्ट आपको कॉम नहीं करना है। इससे हमारी रूट्स वीक रहती हैं तो वो बाल निकालने बहुत ज़्यादा बाल निकलते हैं इसलिए। तो मैंने रात से नहीं किया था कॉम, अभी थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम हो गया है। अगर मैं मॉर्निंग में कर लेती तो शायद वो हेयर फॉल नहीं होता, बट अब हेयर फॉल होगा। आप देख सकते हो, मैं आपको लाइव ही दिखाऊँगी। ऐसा नहीं है मैं अपने हेयर फॉल जो है वो छिपा दूँगी, ऐसा नहीं करूँगी आपके सामने। मैं जो भी, अगर मेरा हेयर फॉल भी होगा मैं आपको वो भी शो करूँगी, अगर हेयर फॉल नहीं होता तो वो भी करूँगी, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले और आपको इस बात पे ट्रस्ट भी होगी हाँ रेमेडी जो है वो वर्क भी करती है। तो इसलिए अभी मैं अच्छे से अपने बालों में कॉम कर रही हूँ। ऑयलिंग के बाद आपको आधा घंटे बाद ऑयलिंग के आप कॉम कर सकते हो। कॉम से क्या होता है, जब हम कॉम को अच्छे से अपने ऑयलिंग के बाद करते हैं, जो भी हमारा ऑयलिंग है वो स्कैल्प में पेनिट्रेट होता हो जाता है अच्छे से। आपको ऑयलिंग के बाद धीरे धीरे अपने फिंगर टिप से मसाज करने के बाद 30 मिनट्स के बाद आप कॉम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आप, मैंने कॉम कर लिया है अच्छे से अपने हेयर को। अभी जो हेयर फॉल है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मेरा हेयर फॉल तो ज़्यादा ही हो गया है थोड़ा सा, आज मेरा इतना नहीं होता है, मेरा ऐसा रहता है एक दो बाल निकलते हैं बस। ये मेरी लापरवाही है जो ये हो गया है मुझे। जब भी हम अपने बालों में कॉम नहीं करेंगे ना प्रॉपर वे में, लाइक हमें क्या है, अगर हमें डेली कॉम करना है 2 टाइम्स तो डेली ही कॉम करना है। इससे आपका हेयर फॉल 100% नहीं होगा। अगर आप कॉम करोगे डेली तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए मेरा हेयर फॉल हो गया क्योंकि मैंने कॉम नहीं किया था। तो जो अब ऑयल है मेरा बना बनाया घर का ही, मैंने थोड़ा सा उसको लेकर स्कैल्प में अप्लाई करके आपको दिखा दिया है, जिससे आपको ट्रस्ट भी हो और आप इसको अच्छे से अपने स्कैल्प और हेयर में लेंथ में अप्लाई कर सको। तो मैंने अब इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपने हेयर में। थोड़ा सा ज़्यादा हैवी ऑयलिंग हो जाती है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही अपनी स्कैल्प में लिया है। मैंने मसाज भी कर ली थी अच्छे से, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को कट कर दिया है, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई है इसलिए। तो अब कॉम करने के बाद हम चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप पर, जो है हमारी बन। एक हमारी सी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, मैं उनका नाम नहीं ले पाऊँगी अभी, थोड़ा सा हाइड, मुझे नहीं मालूम नाम लूँ मैं या नहीं लूँ। अभी उनसे मैं थोड़ा सा परमिशन लेके नेक्स्ट टाइम मैं नाम उनका ज़रूर लूँगी, अगर वो चाहती होंगी कि ठीक है मैम ले सकते हो तो। उनकी परमिशन देखिए, मैम आप जो आपने ऑयल बनाया आप उसको यूज़ भी करके दिखाइए एप्लीकेशन, और आप उससे फिर बन भी बनाइए अपना,
कि आप बन ऑयलिंग का बन भी बनाना है आपको जूड़ा यानी कि, और फिर आपको एक टाइट स्लीक ब्रेड्स भी बनानी है। तो मैंने ब्रेड भी बनाया है अपने बालों का और मैंने जो हमारी बन है वो भी बनाया। तो आप देख सकते हो मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम करके उसको ट्विस्ट ट्विस्ट करके उसको राउंड कर लिया अपने हेयर को, जिससे हम गर्मियों में थोड़ा सा बेटर फील भी करें। हमारे बाल जो ऑयलिंग है वो थोड़ा सा हमारी गर्दन भी चिपक जाते हैं ना, थोड़ा सा इरीटेट हो जाते हैं, वर्क भी नहीं कर पाते। तो उसको मैंने रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर लिया। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा बन बना है, अच्छा भी लग रहा है देखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पर आप इजीली इसको बना सकते हो। तो चलिए अब हमारी जो सेकंड थर्ड स्टेप है हमारी है ब्रेड। तो मैंने अपना जो बन है वो अभी खोल दिया है आपको ब्रेड बनाने के दिखाने के लिए, इसलिए खोल दिया है। तो मैं अब अपनी बना रही हूँ यहाँ पर ब्रेड जो हम बनाएंगे टाइट एकदम। आपको इतना टाइट भी नहीं करना है कि आपको पेन हो और आपके बालों की जड़ जो है वो बाल भी निकलने लगे। आपको थोड़ा सा टाइट रखना है और थोड़ा सा मीडियम, इतना रखो कि आपको पेन भी ना हो और अच्छे से आप उसको रख भी सको। तो मैंने यहाँ पे टाइट ब्रेड बनानी स्टार्ट कर दी है। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा बातें कर लेते हैं जो मेन है। आपको रेमेडी ज़रूर यूज़ करनी है जो भी मैंने आपको दी हैं एलोवेरा से रिलेटेड। अभी क्या है होता है जब हम न्यू रेमेडी बनाते हैं तो किसी को कुछ सूट करता है, जैसे किसी को एलोवेरा सूट नहीं करेगा, किसी को मस्टर्ड ऑयल सूट नहीं करता, किसी को कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता, किसी को कोकोनट ऑयल सूट करता है, मस्टर्ड ऑयल नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को एलोवेरा सूट करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है किसी के बालों में। तो आपको जो भी सूट हो आप एक एक बार ट्राई करके देख लीजिए अपने हेयर में सारी चीज़ों को। कभी आप ये कहो मैडम तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको डालती रहती हैं और न्यू रेमेडी बताती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं उनको अप्लाई करके अपने हेयर पर तब आपको दिखाती हूँ, जिससे कि आपको कोई हार्म भी ना हो आपके बालों में। इसलिए तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और आप एक बार यूज़ कर लीजिए, अगर आपको लगे कि बेनिफिट हो रहा है तो आप उसको यूज़ करिए, वरना अदरवाइज़ आप दूसरी रेमेडी पर स्विच हो जाइए जब आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।